देखिए, दुनिया का डरना लाजमी है। चीन में वायरस का कॉकटेल अवतार कहर बरपाने लगा है, तो वार्निंग बेल्स अपने देश में भी बजने लगी है। कोरोना का छोटा भाई H3N2 सुपर एक्टिव हो चुका है। खतरे की जद में बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और ऐसे लोग हैं जो अस्थमा, लीवर, हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट हैं। नए वायरस से खबरदार रहने की जरूरत क्यों है, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। इस दौरान कोरोना के कहर से सबक ले चुकी सरकार भी इंतजाम पुख्ता कर रही है। केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद राज्यों की सरकारें भी सतर्क हैं। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वायरस बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं, अस्थमा, लिवर, हार्ट और डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए यूपी में सख्ती शुरू हो गई है। H3N2 वायरस की चपेट में आए लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों में वैसी ही सावधानियां बरती जा रही हैं जैसी कोरोना मरीजों के इलाज में बरती जा रही थी। योगी सरकार का दावा है कि हालात पूरी तरह काबू में है। कोई चिंताजनक बात नहीं है, स्थिति पूरी कंट्रोल में है, हम पूरी तरह से सतर्क होकर काम करेंगे। H3N2 वायरस से कर्नाटक में एक आदमी की मौत और हरियाणा में हुई एक संदिग्ध मौत के साथ ही गुजरात में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों में जरूरी दवाओं के अलावा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और PPE किट का इंतजाम का दावा किया। अलर्ट हिमाचल भी है। सुक्खू सरकार ने भी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस बीच पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी। असल बात यह है कि अगर H3N2 वायरस को समय रहते पछाड़ना है तो इसमें सरकारों को तो एक्शन में रहना ही होगा, आम लोगों को भी आगे आना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।